कल आप लोगों ने हिंदी का रिवीजन किया? Yes, यानी किया है? किया है? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं आई? No, बस इसी स्पीड से ध्यान रखिएगा, एक चैप्टर आपका हिंदी करना पड़ गया वर्णमाला। Yes, अगला आपका चैप्टर है शब्द विचार। क्या है? और शब्द विचार में जितने प्रकार के शब्द आते हैं, आपके दो सब्जेक्ट कुल हैं ही हिंदी में, एक वर्णमाला, दूसरा शब्द विचार। शब्दों में आ जाते हैं तद्भव, तत्सम, विरोधी शब्द, समानार्थी शब्द, मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गई। तो ये सारा टारगेट है आपका। बस तय आपको करना है कि आपको कितने ज्यादा टाइम में ये चीजें पढ़ना है या कितने कम टाइम में पढ़ना है। समझ में आ रही बात? Yes, तो यहां याद रखना, मानसिकता बना के चलना कि कम समय काम ज्यादा। ओके? Yes, क्योंकि आप एग्जाम निकालना है आपको, तो समय बचाना पड़ेगा। Yes, जल्दी से हम हिंदी चालू करते हैं। अच्छा, एक बात और, जरा 5 मिनट हम आपसे बात कर लें। सुबह के बैच की हमने छुट्टियां कर दी हैं, क्योंकि शासन के आदेश है कि क्लास जो जहां पर भी संस्थान है, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, वहां पर क्लासेस बंद कर देना चाहिए। लेकिन यदि आपके एग्जाम के सरकने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी एग्जाम को बढ़ाने की नहीं। लेकिन एक उपाय अपने पास है, आधा उपाय आपको करना पड़ेगा, आधा उपाय हमें करना पड़ेगा। आपकी सुरक्षा के लिए सैनिटाइजर से सारे कमरे की सफाई कराना हमारा काम, सैनिटाइजर से हाथ धुलवाना हमारा काम। आप परमानेंट मास्क खरीद लें। आप परमानेंट मास्क कहीं से खरीद लें, चूंकि क्या है कि दमोह में उपलब्ध नहीं, और इसमें क्या आजकल कालाबाजारी बहुत हो रही, 100 रुपए की चीज 500 में मिल रही। लेकिन अगर आप परमानेंट मास्क खरीद लें, तो अपन चारों से, चूंकि जहां से फैला होता है, आप जब तक क्लास में रहें तब तक आप मास्क ना उतारें। ये दोनों चीजें आपकी सुरक्षा भी है, हाँ है ना? अगर सुरक्षा, तो हम बाकायदा पूरी क्लासेस चलने देंगे। क्लासेस चलेंगी तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारा ये सारा चीजें तो चलती रहेंगी 8-10 दिन में। अभी गर्मी आ जाएगी तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा। लेकिन अगर ये क्लासेस थोड़ी 10 दिन बंद रही तो बड़ी दिक्कत का काम आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं से आप एक काम करिए, परमानेंट वाला, ये डिस्पोजल वाला नहीं, डिस्पोजल वाला कारगर नहीं है उतना। वो आप कहीं ना कहीं से ऑर्डर कर दीजिए, एनी हाउस को बुलवा लीजिए, तो आपकी क्लासेस हम लगाते रहेंगे। Yes, समझ में आ रही बात? Yes, हालांकि भैया ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा जरूरी है। Yes, क्योंकि जो गवर्नमेंट के आंकड़े आ रहे हैं कि 100, 114, ये तो आंकड़े हैं। Yes, ये वो आंकड़े हैं जो पता चल चुके हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। आप सुरक्षित रहेंगे तो बढ़िया रहेंगे। समझ में आ रही बात? Yes, तो अगर आप चाहते हैं क्लास आपकी कंटिन्यू चलती रहे, तो अपन उन चीजों को बिल्कुल, जैसे ही आप स्कूल के अंदर हो, क्लास के अंदर हो, आप मास्क नहीं खोलेंगे, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग हमसे मांगी जाएगी कि अगर आप क्लास लगा रहे हैं, आप इस चीज को बंद करने के आदेश के बाद भी आप क्लास लगा रहे हैं, तो आखिर आप क्या ऐसी व्यवस्था करके रखे हैं। तो आप 1 मिनट के लिए, क्योंकि कैमरे लगे हैं, आप 1 मिनट के लिए भी क्या नहीं निकालेंगे, मास्क नहीं निकालेंगे जब तक आप बैठे रहेंगे। कल या परसों में या तो आपको क्लास बंद करना पड़ेगी, और या आपको अपने साथ मास्क लाना होगा। समझ में आ रही बात? Yes, sir. तो ये चीज बिल्कुल सही भी है। हमारे आसपास यहां नागपुर में, महाराष्ट्र में, इधर देखें तो यूपी में ये सारी चीजें आ चुकी हैं। Yes, हमारी रिश्तेदारियां, हमारा आना जाना वही है। Yes, ना जाने कौन किस शादी से आ रहा है, किस विवाह से आ रहा, हमारे आकर बीच में बैठ गया, फिर वो चीज। अच्छा, इनके सिम्टम्स हमें कई महीनों बाद पता चलते हैं, कई दिनों के बाद पता चलते हैं, जब परमानेंटली बीमार हो जाते हैं। तो हमारा सीधा कहने का मतलब है, हम कल या परसों से अपनी सुरक्षा के बारे में ध्यान रखें, तो हमारी क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी। Yes, आपकी क्लास का, वैसे तो अपनी क्लास में वैसे ही सफाई रहती है, लेकिन फिर भी एंटीबायोटिक तरीके से, आपके सैनिटाइजर तरीके से, जैसा भी होता है टिंचर वगैरह से, आपकी पूरी क्लास की रोज हम सफाई करवा देंगे। आपके बैच के पहले केवल हम संविदा का बैच बचा रहे हैं, बाकी सारी बैच की हमने छुट्टियां कर दी। सुबह वाले बैच की हमने छुट्टी कर दी है, कांस्टेबल के बैच की हम छुट्टी कर रहे हैं, केवल संविदा के पेपर की हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि संविदा का पेपर आपका मुश्किल है सरकना, और आपको 7 साल में चांस मिला है, और अगले 7 सालों तक मुश्किल है मिलना। तो हम एक चीज और, आप सारे लोग एनी हाउ कहीं से भी आज से प्रयास में लग जाना, उसका कारण हम चाहें तो यहां बुलवा लेते, लेकिन दिक्कत एक बात की है,
दिक्कत इस बात की है कि वो लोग कर रहे हैं कालाबाजारी, 100 की चीज 500 में बेचेंगे। वो हमें भी 500 की बेचेंगे तो हम तुम्हें भी 500 की देंगे। अब दिक्कत ये आता है कि बीच में ना तो हमारी मेडिकल की दुकान है और ना हम व्यापारी हैं, लेकिन फिर भी बदनामी ये होती कि नहीं सर ने 500 रुपए का बेचा, ये अलग सिस्टम हो जाता है। तो आप कहीं ना कहीं से मास्क की व्यवस्था करें, सैनिटाइजर की व्यवस्था आप घर में अपने लिए करें, यह हम सैनिटाइजर बुलवा दे रहे हैं, तो आप बढ़िया हाथ धोकर ही अंदर आएंगे। आप जब गेट के अंदर हो रहे होंगे, जब आप शटर के अंदर हो रहे होंगे, वहीं पर आपको सैनिटाइजर मिल जाएगा, आप 2 मिनट वहां पर हाथ धोएंगे, समय के पहले आएंगे, फिर आप अंदर आएंगे। ठीक है, कोशिश करना है अपन को जब तक जैसे निर्देश है किसी दूसरे की चीज बिल्कुल नहीं छूना है, दूसरे का रजिस्टर नहीं छूना है, का पता वायरस ना हो, का पता उसने हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, लेकिन आपको दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रहना है। रही भैया खांसी छींक की बात, तो खूब खांसो खूब छींको, मास्क वाल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, कल परसों में आप ये व्यवस्था कर लेना यदि आप चाहते हैं आपकी क्लास कंटिन्यू रहे, अदरवाइज हमें शासन के निर्देश के अनुसार या तो आपकी क्लास छुट्टियां करना पड़ेंगी, और छुट्टियों में आपका बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। आप कल्पना नहीं कर सकते जितना लॉस आपका हो जाएगा। ये मान के चले कि आप नौकरी से जितने पास आप जा रहे थे उतने ही दूर चले जाएंगे आप। मेरी बात आप समझ गए? तो आप बढ़िया सुरक्षित तरीके से आइए, हम और आप दोनों जन प्रयास करेंगे तो हमारी क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी। ओके हाँ, ये जरूरी कि आपके कोर्स में ये मास्क का खर्चा आपका बढ़ जाएगा, उस सैनिटाइजर का फालतू का खर्चा हमारा बढ़ जाएगा। ये जुड़ा नहीं था, हमें पता होता कि कोरोना आने वाला है तो हम प्लस 500 कर देते और सबको दे देते कि भैया कोर्स में है मास्क। ठीक है, लेकिन वो उस समय था नहीं जब आप लोगों को हमने बोला कि भैया कोर्स करा देंगे, तो उस समय ये चीज थी नहीं, लेकिन नहीं थी तो आप खुद खरीदिए। ठीक है, चलिए हम जल्दी से हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में कल हमने वर्णमाला कंप्लीट कर ली थी, ठीक है ना। आज अपन को पर्यावरण भी पढ़ना है। अच्छा एक बात और, हम जो भी चीज आपको घर में पढ़ने देंगे उसमें आप धोखाधड़ी नहीं करेंगे। आप धोखाधड़ी का मतलब यह है कि अगर हमने आपसे कहा कि इन चीजों को पढ़ के आना है, अगर आप धोखाधड़ी करेंगे तो परिणाम आप स्वयं भुगतेंगे। और यदि आपने मेरी बात मान ली कि सर ने आज मुझे ये सिलेबस दिया मुझे कंप्लीट करना है, तो आप बिलीव करिए आपका सिलेक्शन तय। ये देखिए शब्द विचार, शब्द यानी कल हमने पढ़ी वर्णमाला, क्या पढ़ी? अब वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द, क्या बनते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं जरा ये देखें, अपन देखते हैं। शब्द भाषा के अर्थ को वहन करने वाला खंड है, यानी शब्द वो कहलाता है, कई अक्षरों से मिलकर बनता है शब्द, लेकिन शब्द वो कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। मान के चलिए हमने यहां कुछ भी लिख दिया, मान के चलते हैं हमने यहां लिख दिया ग्या सा ना, अब ये आप पढ़ेंगे तो आपको लगे ग्यसन, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है। क्यों शब्द नहीं है? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो शब्द वही होते हैं जिनका कोई मीनिंग हो, हाँ है ना, यानी अर्थपूर्ण। क्या होना चाहिए? अक्षरों के अर्थपूर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। समझ में आ रही बात? यानी कोई भी ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिखा तो आप कहते हैं ये शब्द है, नहीं शब्द नहीं होगा वो। ठीक है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, पहली बात सार्थक हो, आया ना। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। कई बार हम भाषाओं में जैसे हम कहते हैं तुम्हें खटपट मत करो, अब हम भी समझ गए हम क्या कहना चाह रहे, आप भी समझ गए क्या कहना चाह रहे, लेकिन अगर रियल में देखा जाए खटपट होता क्या है ये? नहीं आ रही बात सुनिए? अपन कहते हैं तुम यार ज्यादा, मान के चलिए मन कहते हैं तुम पटपट करते हो, तुम चिक चिक करते हो बहुत, तो ये क्या चिक चिक क्या है? कोई पर्टिकुलर कोई वर्ड तो नहीं है, लेकिन हाँ हम आपकी बात को सर, इसका पर्टिकुलर यदि देखा जाए तो कोई अर्थ नहीं। चलिए देखते हैं जरा शब्दों का वर्गीकरण। हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया जाता है। पहला आधार किया जाता है उत्पत्ति के आधार पर। काहे के आधार पर? बहुत ज्यादा जल्दी कवर करिएगा, जहां कम समय लगना है वहां आपको कम समय लगाना है, जहां पर हमें लगता है कि यहां डिटेल में चर्चा करने की वहां के लिए समय बचा के रखना है।
का ज्ञान हर बार, उत्पत्ति का मतलब होता है हम जितने सारे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअली उन शब्दों का जन्म कहां हुआ। अब आप कहेंगे सर जन्म का मतलब क्या है, आप हिंदी पढ़ते तो हिंदी में जन्म हुआ होगा। नहीं, कोई भी भाषा हो उसका जन्म अचानक नहीं हो जाता, एक्चुअली अन्य भाषाओं का प्रभाव जो होता है उस भाषा पर पड़ता है। जैसे सबसे पहली बात, जो हिंदी है वो संस्कृत से डाइवर्ट होकर बनी है, यानी सबसे ज्यादा प्रभाव काय का है, हमें आवाज नहीं आ रही है, सबसे ज्यादा प्रभाव संस्कृत का है। वो संस्कृत से हमने बदल कर चेंज करके, सुन रहे हो, जैसे प्रातः को हम कहने लगे सुबह, नहीं आने वाली बात समझ में आ रही है, तो संस्कृत का शब्द था हमने चेंज कर लिया। या कई शब्द ऐसे हैं जो हमने कहा कि बोलते बोलते अचानक उत्पन्न हो गए, हमने अपनी भाषाओं में अचानक से उनकी उत्पत्ति कर ली। या हो सकता है कि हमारे पास अंग्रेज आए, अरबी आए, फ्रांसीसी आए, हमने उनकी शब्दों को वैसा ही का वैसा, अंग्रेजी का शब्द अंग्रेजी ही का यूज करना शुरू कर दिया। जैसे आज भी हम हिंदी में लिखते हैं मेरी बस चूक गई, मेरी बस, अब बस क्या है, अंग्रेजी क्या है, लेकिन हमने बस को हमने हिंदी में कन्वर्ट ना करके हमने सीधा सीधा उसे, हाँ या ना, अंग्रेजी का शब्द उठाया और हिंदी में वैसे इस्तेमाल कर लिया। कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम बात करें कागज, कागज हिंदी शब्द नहीं है, हम कहें दफ्तर, हम कहें कचहरी, तो ये हिंदी शब्द नहीं, हमने विदेशी भाषाओं को लिया और उन्हीं के सीधे वर्ड कहां ले आए, हिंदी में, पक्का। तो हमने ये हमें पता करना है कि आखिर उस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई, संस्कृत में हुई है या हिंदी में हुई है। अगर संस्कृत से हिंदी में आया है तो अलग बात है, या हो सकता है कि किसी विदेशी भाषा से आया हो। अब विदेशी भाषा कुछ भी हो सकती है, चाहे आप कह दो अरबी, चाहे आप कह दो फारसी, चाहे आप कह दो अंग्रेजी, चाहे आप कह दो चीनी, सब विदेशी भाषाएं हैं। तो जो विदेशी भाषाओं से आए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहेंगे। जो हमने बोलते बोलते हम लोग खुद उत्पन्न कर लिए अचानक, उन्हें हम कहते हैं देशज। क्या कहते हैं, अब देखना जरा वर्गीकरण, तत्सम, क्या कहा हमने, तत्सम जैसा, ये देखना जरा अब इसका मीनिंग क्या है। तत्सम का तत्व माने वैसा और सम माने समान, जैसे का तैसा। हम कई बार क्या करते हैं कि हम संस्कृत से हिंदी बोलना शुरू करें लेकिन हिंदी में आज भी उन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं जो हम संस्कृत में करते, जैसे आप कहते हैं जल, हम कहते हैं जल लेकर आओ, तो जल कौन सा शब्द है, अंग्रेजी, सॉरी संस्कृत, कौन सा है, यानी तत्सम, क्या है, लेकिन जल की जगह हम कहते हैं पानी, क्या कहते हैं, तो हमने एक्चुअली जल को डाइवर्ट कर लिया है काय में, पानी काय में, तो ये कहलाएगा तद्भव, क्या कहलाएगा, हमें आवाज नहीं आ रही है, तो एक दूसरा टाइप आएगा तद्भव, क्या आएगा, हाँ या ना। अब सबसे ज्यादा बच्चे, सबसे ज्यादा स्टूडेंट एक बात में रट्टू तोता जैसा रटते हैं कि भैया कौन तद्भव है और कौन तत्सम है, इनको रटना नहीं। आपने दसवीं तक संस्कृत पढ़ी है, अगर आपने ज्यादा ना पढ़ी हो तो दसवीं तक तो आपने संस्कृत पढ़ी है, जितने वर्ड आपने संस्कृत में कभी सुने थे, उद्यान, विद्यालय, शिक्षक, छात्र, ओगे, अग्नि, जल, भूमि, नहीं आ रही वास्तव में, लेकिन आपने धरती नहीं सुना था, आपने धरती संस्कृत में कभी नहीं सुना, आपने पेड़ नहीं सुने, आपने वृक्ष सुने, क्या सुने, आपने हवा कभी संस्कृत में नहीं सुना, आपने वायु सुना, क्या सुना है, नहीं सुना है, आपने कान नहीं सुना, आप वहां कहते कर्ण, क्या कहते थे, आप पेट नहीं कहते थे, आपके उदर, क्या कहते थे, ओके,
अभी आप कहते हैं माथा, उस समय कहते थे मस्तिष्क। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जब भी आपको लगे कि ये हमने संस्कृत में कहीं सुना है, तो वो क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही। और यदि आपने उसे संस्कृत में नहीं सुना है, विदेश से आया नहीं है, अंग्रेजी का नहीं है, उर्दू का नहीं है, हमें लग रहा है कि हमने संस्कृत को डाइवर्ट किया है, तो काय में आएगा? हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? बहुत सारी चीजें, बहुत, जैसे ग्रह, ग्रह संस्कृत, घर, घर क्या है? अब देखना जरा, तो आप बताइए, अगर कभी सूर्य शब्द आए तो सूर्य आपने संस्कृत में सुना है? अगर हम कहें सूरज, नहीं सुना है। मार्ग आपने कहां सुना है? कहा? और रास्ता? रास्ता संस्कृत में तो नहीं सुना? अरे क्लियर है? पथ संस्कृत में सुना है आपने? जितने शब्द आपने कभी ना कभी कहां सुने हैं, वो सारे क्या हैं? अरे क्लियर है? चलिए, तो आप देखें, पहली बात, जो संस्कृत के हैं वो क्या है, जो संस्कृत से बदल कर कहा है वो क्या है? अरे क्लियर है? देखते हैं जरा और आगे, देखते हैं देशज, जो हमने खुद उत्पन्न कर लिए, हम कहने लगते हैं लोटा। अब लोटा ना तो संस्कृत में सुना था, ना हिंदी का है, ना विदेश से आया। हम कहते पेट, अब पेट वर्ड नहीं होता, पेट हमारे यहां खुद बोलते बोलते उत्पन्न हो गया। हमने कहा डंडा, क्या हमने कहा पिल्ला, क्लियर है? हमने कहा खिचड़ी, अपन आम तौर पर कहते खिचड़ी बन गई, तो खिचड़ी हम संस्कृत में कभी इस्तेमाल नहीं करी हमने, अंग्रेजी तो है ही नहीं। हमारी बात आप समझ रहे हो? हम कहते हमारी डिबिया रख लो, अब डिबिया कहां से आ गया? तो ये डिबिया बोलते बोलते आ गया। हमने कहा पग डंडी, क्या? अरे क्लियर है? बहुत घूसा, अब एक घूसा मारेंगे ना, अब कहां से आ गया ये? नहीं आ रही वासन में? ये सारे वर्ड ऐसे जो बोलते बोलते अचानक क्षेत्रीय रूप से सुन रहे हो, डंडा हो गया, पेट हो गया, पिल्ला हो गया, सुन रहे हो? अब आते हैं विदेशज, जो विदेश से आए। हमने कहा रेल, हम हिंदी में इस्तेमाल करने लगे रेलगाड़ी, लेकिन रेलगाड़ी रेल अंग्रेजी शब्द है? नहीं आ रही बात समझ में? हम आज हिंदी में लिखने लगे स्कूल, हम डायरेक्ट लिखते हैं स्कूल जाते हैं। हम हिंदी में आजकल विद्यालय ना लिखकर सीधा लिखते स्कूल, तो स्कूल कौन सा? अंग्रेजी। बस कौन सा है? अरे क्लियर है? हमने कहा मैं दफ्तर जा रहा हूं, नहीं दफ्तर, अंग्रेजी तो ऑफिस है। ये ज्यादातर फारसी शब्द है, नहीं आ रही बात समझ में? दफ्तर हो गया, कचहरी हो गया, सुन रहे हो? चलिए देखते हैं जरा, संकर शब्द कहलाता है मिश्रण, आधा किसी और ब्रांड का हो, आधा किसी रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, नहीं आ रही बात समझ में? अब चलिए इनको देखते हैं अपन रचना के आधार पर। अब इनके बहुत सारे शब्द बताने वाले, रूढ़, योगिक और योगगुरु, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। जैसा रचना के आधार पर यानी निर्माण के आधार पर अगर कोई शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है, तो टूटेगा भी दो शब्दों में? नहीं आ रही बात समझ में? आप दोनों तरीके से कह सकते हैं, या तो आप ये कह सकते हैं दो शब्दों से मिलकर बना है, या आप ये कह सकते हैं कि इसे तोड़े तो हाँ या ना? तो ऐसे शब्द जिन्हें दो शब्दों में तोड़ा जा सकता है उन्हें कहते हैं योगिक शब्द।
आप शायद अभी आप आगे पढ़ेंगे, आपको पहले शायद अगर पता हो संधि हो गया, yes, संधि के दो शब्द हो जाते, yes, समास हो गया, yes, प्रत्यय हो गया, yes, उपसर्ग हो गया, yes, ये सब काय में आएंगे। हमें आवाज नहीं आ रही है, ओके। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना तो वो किसी से मिलकर बने हैं और ना वो टूटेंगे। अब देखना जरा, जैसे आपने कहा कान, कान एक शब्द है, लेकिन आप उसे तोड़ नहीं सकते। आप बोल के दिखाओ जरा, का धन ना, ना इसका मीनिंग है ना इसका मीनिंग है। वो तोड़ने की एक रीति है, दोनों के मीनिंग निकलना चाहिए। अरे क्लियर है? ऐसा नहीं कि आपने कहीं से भी तोड़ लिया। अगर आप तोड़ोगे तो मीनिंग निकलना चाहिए। नहीं आ रही बात समझ में? आपने कहा चावल, कैसे ही नहीं तोड़ सकते। चाव धनला, चा धनवल, दोनों की मीनिंग नहीं है। हमने कहा घोड़ा, आप नहीं तोड़ सकते। घो धनला नहीं आएगा। हमने कहा मोह, मोह तो किसी का तोड़ ही नहीं सकते। शब्द की बात कह रहे हैं कि मोह जो है, अगर आप कहें कि मोह धनहा, नहीं तोड़ सकते आप। yes, आप एक घर नहीं तोड़ सकते आप। yes, घरा, सीधी बात, आप दो सार्थक शब्दों में, जैसे लेकिन आप कहते हैं सूर्योदय, yes, आप तोड़ सकते हैं। yes, सूर्य धन उदय, हाँ या ना? yes, लेकिन अगर कहीं लिखा हो लिखावट, तोड़ सकते हैं। लिख धन आवट, नहीं आ रही बात समझ में? कहीं लिखा प्रत्येक, हम कहें प्रति धन एक, नहीं आ रही बात समझ में? हम कहें राजमहल, हम तोड़ सकते हैं। राजा का महल, ओके। तो चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे क्या वो, चाहे उपसर्ग, ये काय के अंतर्गत आते हैं, योगी। अच्छा एक बात और, खिसके बैठे जरा। कई बार स्टूडेंट अज्ञानवश हर शब्द में संधि ढूंढने लगते हैं, हर शब्द में। लेकिन भैया संधि तुम्हें वहां मिलेगी जिनका निर्माण संधि से हुआ है। अगर कोई शब्द सामासिक है तो वो शब्द समास से मिलकर बना है, तो वहां संधि नहीं होगी, समास होगा। और कई शब्द ऐसे हैं जिनमें ना संधि होगी ना समास होगा, एक्चुअली वो क्या है, रूढ़। नहीं आ रही बात सुन? कई बार लड़के लड़कियां अज्ञानवश या ये पता करने के लिए कि हमारे सर को पता है या नहीं है, हम पूछ लेते हैं, बताओ सर इसमें कौन सी संधि है। नहीं आ रही बात सुन? मैंने शायद एक एग्जाम्पल दिया था, कि हम साइंस पढ़ा रहे थे और एक किसी अदर टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा बताइए सर से पूछ के आइए कि पत्थर में कौन सी गैस होती है। मैंने उससे कहा कि तुम पहले अपने सर से पूछ के आना कि पदार्थ तीन स्टेज में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। पत्थर ठोस है या गैस? अब जो ठोस है तो गैस होने का सवाल पैदा नहीं होता। हमने कहा पहले सर से क्वेश्चन सुधरवा के आओ, उनसे पूछना कि यदि पत्थर को गर्म किया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। बोले हाँ सर यही बता दो कौन सी गैस निकलेगी। तो हमने कहा अपने सर से पूछ के आओ पत्थर कौन सा है। ग्रेनाइट है, सिलिकॉन का है, सिलिकॉन ऑक्साइड है, कार्बोनेट है, संगमरमर का पत्थर है। फिर हम बताएंगे गर्म करने पर, क्योंकि जिस टाइप का होगा उस टाइप की क्रिया होगी। हमने कहा ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, आप और आपके सर की। आप चाहते हैं कि सामने वाला झुक जाएगा, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, हम इतने आंसर आपको दे देंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पहले शुरुआत करने के पहले बता दें, सामासिक शब्द में समास होता है, सामासिक शब्द में संधि वाले शब्दों में संधि होती है, प्रत्यय वाले शब्दों में उपसर्ग वाले शब्दों में। आप हर चीज को एक जगह लागू नहीं कर सकते। yes, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? yes, हां, कई शब्द ऐसे हैं जिनमें संधि भी होती है और समास भी होते हैं। yes,
करोगे तो ये तीन प्रकार के रचना के आधार। हाँ, अब दो शब्दों के बारे में तो हमने बता दिया, नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? रूल शब्द, योगिक शब्द, ये तीसरा लिखा है योग रूढ़। अब देखना जरा, इसमें दोनों के मीनिंग है। हमने दोनों के मीनिंग कौन कौन कहे कि योगिक के भी हैं और योगिक। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, या तो ऐसा आपने बताया ठीक है कि वो किसी से मिलकर नहीं बना तो रूढ़ है। बढ़िया जवाब दो यार। ओके सारे लोग जरा खींच के बढ़ जाए बिल्कुल। आपने कहा कि यदि योगिक है यानी किसी से मिलकर बना, और यदि रूल है तो किसी से मिलकर, यानी रूल है तो नहीं टूटेगा, और अगर योगिक है तो योग रूल क्या है? योग रूल एक ऐसा शब्द है जो टूट तो सकता है लेकिन ना टूटे तो ज्यादा बेहतर परिणाम देगा। जैसे मान के चलिए हम ये कहें कि हमारे पास ये पेन है, ये टूट सकता है लेकिन ना तोड़ोगे तो ये बेहतर परिणाम देगा, बहुत अच्छा। जैसे हमने कहा गज बदन, क्या कहा? अब गज बदन आसान है तोड़ना, गज धन बदन गज के समान शरीर वाला टूट गया, टूट गया, लेकिन अगर आप इसे नहीं तोड़ते तो इसका मीनिंग आता गणेश। yes, गज बदन। yes, नहीं आ रही बात समझ में? हम कहें पीतांबर। yes, क्या कहें? पीतांबर। हम कह सकते पीत धन अंबर, ये हो गई संधि। yes, इसी को समास में तोड़ोगे तो पीला है अंबर जिनका। yes, पीला है लेकिन अगर ना तोड़ते तो पीतांबर हम कहते हैं भगवान विष्णु को। yes, नहीं आ रही बात समझ में? हमने कहा दशानन। yes, क्या कहो? yes, हम तोड़ सकते हैं। yes, दस धन आनन। yes, दस धन। yes, क्या हो गया? yes, आवाज नहीं आ रही। yes, दस धन आनन यानी दशानन। ओके। yes, नहीं आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? yes, दस धन आनन यानी दशानन तोड़ सकते हैं लेकिन अब उसका कोई ज्यादा खास मीनिंग नहीं निकलेगा। दस धन आनन दस सिर। yes, लेकिन नहीं तोड़ते तो उसका बहुत अच्छा मीनिंग था क्या? yes, नहीं आ रही बात समझ में? yes, अरे क्लियर है? yes, अब देखें बहुत सारे वर्ड तो यहां पर अभी आगे पढ़ेंगे आपको एक समास मिलेगा बहुव्रीही समास। अभी थोड़ा सा जान लीजिए बहुव्रीही समास में होता क्या है कि जनरली वर्ड कुछ और होता है और मीनिंग अलग, यूनिवर्सल। yes, वही शब्द यहां इस्तेमाल करे जाते हैं काय में योग रूप। तो जो बहुव्रीही समास के जितने एग्जाम्पल हैं वो काय में आते हैं। तो हमने दो प्रकार से शब्दों की रचना पढ़ी। yes, एक उत्पत्ति के आधार पर, काय के आधार पर, कितने प्रकार के? आवाज नहीं आ रही है? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव। अरे क्लियर है? yes, नहीं आ रही बात समझ में? अभी ये सारे के सारे वर्ड आपको पढ़ना है। yes, अब देखें अर्थ के आधार पर, काय के आधार पर, एक अर्थी एक वर्ड और दुनिया में उनका एक ही अर्थ है। yes, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। ओके। एक होता है अनेकार्थी। क्या? अब कैसे देखें अनेकार्थी में कई बार अपन कहते हैं अंक। अब एक कई अंक का मतलब, पहली बात संख्या। एक अंक का मतलब होता है गले लगाना। अपन कहते हैं अंक भरना, अंक भरना यानी गले लगाना। नहीं आ रही बात समझ में? हम कहते हैं द्विज। द्विज, द्विज का कई सारे मीनिंग है। द्विज का अर्थ एक जगह होता है बकरा। yes, सुन रहे हो? yes, एक जगह द्विज का मतलब होता है चांद। yes, सुन रहे हो? yes, एक जगह द्विज का मतलब सर्प भी होता है। yes, नहीं आ रही बात समझ में?
आप मेरी बात समझ रहे हैं? yes, जैसे हरी, हरि शब्द के कई अर्थ हैं। yes, हरि का मतलब होता है भगवान। yes, एक हरि का मतलब हरि, yes, एक हरि का मतलब सर्प, yes, एक हरि का मतलब होता है मेंढक। हाँ या ना? yes, तो कई बार, जैसे कई बार एग्जाम्पल आता है, हरि को ढूंढन हरि चले, हरि गए हरि के पास, हरि खूंदे हरि में गिरे, हरि हो गए उदास। तो कई सारे अनेकार्थी शब्द। सारंग शब्द का मतलब सारंग ले, सारंग चली, सारंग की करूट, सारंग ही जान कर सारंग कर गई चोट। सारंग वर्ड है, हम आपको बाद में बताएंगे, भी रटने का प्रयास नहीं करना आप। अनेकार्थी वर्ड एक है, रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानो सून। पानी का शब्द अलग अलग। हम कह दें हमारे कुएं में पानी नहीं है, पानी माने जल। हम कहें क्या तुम में पानी नहीं है, तुम्हारी इज्जत नहीं, आंखों में पानी नहीं तुम्हारे, मतलब तुम्हारी इज्जत नहीं है क्या? yes, तुम तुमसे ये नहीं कहेंगे क्या तुम्हारे अंदर एक बाल्टी पानी नहीं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्या तुम में पानी नहीं है, मतलब क्या तुम में लज्जा नहीं है? yes, अगर आप कोई जेवर पहने हैं और हम कहें इसमें पानी चढ़वा लो, तो उसका मतलब ये नहीं कि एक बाल्टी पानी डाल दो, उसका मतलब है इसको चमक चढ़वा लो। तो वर्ड हमने एक ही बोला, वर्ड हमने लेकिन उसके मीनिंग अलग अलग थे, अर्थ अलग अलग थे, स्थान के अनुसार उसका अर्थ बदल गया। क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है? अरे क्लियर है? चलिए यहां देखें, समानार्थी पर्यायवाची। एक आदमी के या एक वर्ड के कई पर्यायवाची। तो देखें एकार्थी अनेकार्थी विलोम विरोधी। हाँ या ना? अब देखें प्रयोग के आधार पर, कह के आधार पर विकार। ऐसे एक मिनट, एक बार टाइप होना भूल गया। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए वो एक वर्ड जो आता है वो भी शब्द निर्माण के अंतर्गत आता है। तो आपने देखें जरा, ये रटने नहीं आएगा आपको, लेकिन इसके एकार्थी अनेकार्थी समानार्थी और विलोमार्थी। सुन रहे हो? कुछ शब्द सुनने में एक से होते हैं, लेकिन अर्थ उनके अलग अलग होते हैं। सुन रहे हो? बहुत अच्छे। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले बार तक जो हिंदी कराना पड़ती थी वो लिखकर कराना पड़ती थी, वो लिखने में क्या होता था, समय बहुत बर्बाद होता था। अब हम आपको हर वर्ड का यहां पर, जैसे आपको तद्भव तत्सम है, 200 है तो 200 चला के बता सकते हैं। विकारी अविकारी। अब देखें ये विकारी अविकारी होते क्या है। सबसे पहली बात आपने सुने होंगे, लेकिन इसकी तह तक हम कभी जाते नहीं कि एक्चुअली विकारी और अविकारी शब्द होते क्या। आपने सुना होगा जब भी हम कोई वर्ड लिखते हैं तो लिंग, वचन और कारक, ये तीन चीजें हमेशा शब्द को डिफाइन करती हैं। जैसे हम कहें सीता जाती है लेकिन राम जाता है, नहीं आ रही बात समझ? तो सीता के अकॉर्डिंग जाती, राम के अकॉर्डिंग जाता, ठीक है ना? लिंग ने उस शब्द में या उस सेंटेंस में विकार, विकार यानी कि कुछ ना कुछ उत्पन्न कर दिया, कुछ फर्क ला दिया। हमने आपसे कहा वचन, हमने कहा आदमी आता है लेकिन लोग आते हैं, लोग आता है नहीं होता। तो एक के लिए आता, बहुत सारे के लिए आते। एक लड़की आती है, लड़कियां आती हैं। तो वचन ने एक बहुवचन और एक वचन, मछली तैर रही है, मछलियां तैर रही हैं। तो देखिए ना, पहली बार लिंग ने, दूसरी बार, और इसी प्रकार हम आपको कारक पढ़ाएंगे। तो लिंग, वचन और कारक, लिंग, वचन और कारक, ध्यान रखिएगा इन तीन के बदलने से अगर शब्द में फर्क पड़ जाए,
इफेक्ट पड़ जाए तो उसे कहते हैं विकारी। क्या कहते हैं? विकारी। जैसे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। क्या कहा हमने? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। अभी बाद में बताएंगे, इतना हैरान नहीं होना आप। संज्ञा, सर्वनाम और ये ऐसे वर्ण हैं जिन पर लिंग का फर्क पड़ता है, वचन का फर्क पड़ता है और कारक का फर्क पड़ता है। लिंग, वचन और कारक का फर्क पड़ता है, अतः इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन एक बात है, क्रिया विशेषण क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। मैं एक बात बताना भूल गया था आपको, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। क्रिया अलग है, विशेषण अलग है। ये चार हमेशा लिंग की वजह से, वचन की वजह से या कारक की वजह से, इन पर फर्क पड़ता है। यानी फर्क पड़ना यानी विकार उत्पन्न हो जाना, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। क्या कहते हैं? लेकिन एक होता है क्रिया विशेषण। क्रिया नहीं, विशेषण नहीं, क्रिया विशेषण माने क्रिया की विशेषता बतलाने वाला। ये वर्ड ऐसे होते हैं, चाहे लड़का के पर्पस में कहे जाए, चाहे लड़की के फेवर में कहे जाए, चाहे एक के फेवर में कहा जाए, चाहे अनेक के फेवर में कहा जाए, कभी बदलता नहीं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, क्या कहा हमने? अब देखना, सीता धीरे धीरे चलती है। आप धीरे धीरे पर ध्यान दो जरा, लड़का में भी धीरे धीरे, लड़की में भी धीरे-धीरे। ऐसा तो नहीं कि सीता आया तो धीरे धीरे हो गई, धीरे धीरे वहां भी था, धीरे धीरे। हम कहे राम ऊपर बैठा है तो सीता ऊपरी तो नहीं, फर्क तो नहीं बोलो। तो कुछ शब्द ऐसे हैं, कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर ना लड़का होने का ना लड़की होने का, सुन रहे हो? नहीं आ रही बात समझ में? जैसे आगे आगे हमने कहा श्याम आगे आगे चलता है, और श्याम की जगह मोहिनी कह दो तब भी आगे आगे। तो इन पर लड़का लड़की होने का कोई फर्क नहीं। अब आप जनता के, तो जनता माने बहुत सारे लोग, जनता आगे आगे चलती है तब भी फर्क नहीं पड़ा। आगे आगे का आगी आगी तो नहीं हुआ, कुछ और तो नहीं हुआ। इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द, और इसमें आते हैं क्रिया विशेषण। इन्हें अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी केवल हम आपको डेफिनेशन बता रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो हमने कहा अब हमें तत्सम शब्द, हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों आए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो संस्कृत में जिस रूप में प्रयोग किए जाते थे हिंदी में उसी रूप में प्रयोग कहते हैं, तत्सम कहलाते हैं। अग्नि, सूर्य, प्रातः, सर्प। अब देखें, वे शब्द जो संस्कृत भाषा से रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। आग, सुबह, सांप। अब देखें तद्भव तत्सम शब्द आप बताना। हम उन विषयों में, उन शब्दों में चर्चा करेंगे जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। शब्द हमने सारे टाइप करवाए हैं, टाइप इसलिए कराए हैं ताकि आप 10 मिनट के अंदर कम से कम 100 शब्दों को पढ़ सकें। जवाब देंगे आप हमारे लिए? अब देखिए अश्रु का क्या? अश्रु हम कहां कहते थे? संस्कृत। बोलो यार, नहीं कहते थे? और आंसू? पक्का? अब बार बार समझाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? जल्दी से, मैं ढेर सारे शब्द बोलना है। क्या लिखा? ईख। हाँ है ना? कपूर कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में क्या? कर्पूर कहते हैं। आगे देखते हैं गोधूम, यहां क्या कह रहे? ये पढ़ना है आपको।
क्योंकि जो आपका एक अनसीन आएगा उसमें एक वर्ड उठा लिया जाएगा, कहेंगे ये संस्कृत का सॉरी तत्सम है ये, और कह देंगे इस वर्ड का तत्सम बताइए, नहीं बनेगा। अरे क्लियर है, देखते हैं क्या लिखा घोटक, यहां क्या कह रहे। तो घोड़ा आपने हिंदी में सुना कि नहीं सुना, संस्कृत में सुना है, संस्कृत में सुना है, संस्कृत में क्या सुना, ज्येष्ठ। अरे क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं धान्य। ओके, कोई ऐतराज आपको? अब जल्दी जल्दी आप बोलते चलिएगा, जहां पर हमें लगेगा कि यहां समझाने का वहां पर बात करेंगे। पत्र क्या? अब ये पत्र दो प्रकार, देखो वही बात, पत्र के दो मीनिंग है, एक पत्र का मतलब पेड़ का पत्ता और एक पत्र का मतलब चिट्ठी। नहीं आ रही बात समझ में? जे हो गया या अनेकार्थी, क्या हो गया? वर्ड एक ही है लेकिन अर्थ। ओके, तो आप देखिए पत्र हमने कहां सुना, संस्कृत में या हिंदी में? बढ़िया जवाब दो यार, ऐसा एक एक शब्द आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हम इसलिए पढ़ा दे रहे ताकि आपको वो चीज याद रहे। बताइए पत्र का में पढ़ते मन पत्ता, चलिए लिखे पोष। ओके, भल्लूक। ओके, वट। ओके, चलिए स्वस्वर। ओके, श्रेष्ठ। ओके, सुभाग। सूची, अब देखना जरा ये सूची भी दो मीनिंग में, एक सूची का मतलब कह रहे हैं सुई और एक सूची का मतलब होता लिस्ट। नहीं आ रही बात समझ में? तो आप ये मत कह देना कि सर ये गलत टाइप हो गया, गलत नहीं हुआ, एक्चुअली ये अनेकार्थी है। क्या है ये? अरे क्लियर है? तो जिसे हम हिंदी में सुई कहते हैं उसे संस्कृत में, अब देखें हास्य क्या, कर्म हिंदी में कहते हैं काम, संस्कृत में कहते हैं, अरे क्लियर है? कूप, बोलो बोर हो रहे आप लोग? दो तारीख बोर हो रहे हो तो आप पढ़ लीजिएगा फिर। चलिए यहां देखें स्नेह। ओके, कातर, संस्कृत में क्या होता है, हिंदी में लोक, लोक। ओके, अपन कहते हैं लोकसभा, लोगों की सभा, हम जिसे लोक कहते हैं, अपन कई बार कहते हैं भैया ये लोक, अपन कहते हैं सभा कह दिया, या अपन कहते हैं कई बार आपने सुना होगा ये जनता के लिए इस्तेमाल होता है लोक। लोक सेवा, लोक सेवा माने जनता की सेवा, तो हम संस्कृत में कहते हैं लोक, तद्भव में यानी हिंदी में क्या कहते हैं, शिक्षा का। ये शिक्षा शब्द आपने कहां सुना? नहीं सुना है, सुना है तो जहां आपको याद आ जाए कि हमने संस्कृत में कभी सुना था शिक्षा, शिक्षा ग्रहण, ग्रहण शब्द कहां सुना था संस्कृत में? नहीं सुना था। अरे क्लियर है? आगे देखते हैं क्या लिखा, कुठार, कुल्हाड़ा, अपन कई बार कहते कुठारा घाट, क्या कहते हैं? तो देखिए कुठारा, कुठारा माने देखें कुल्हाड़ा, कुठार शब्द सुनते हैं हम संस्कृत में, घात शब्द भी हम संस्कृत में सुनते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एक प्रकार से आक्रमण, एक प्रकार से चोट, एक प्रकार से हमला, उसे संस्कृत में कहते हैं घात। क्या कहते हैं? नहीं आ रही बात समझ में? पक्व, पक्का, साग, साग, साग माने सब्जी, यहां क्या कहते हैं? ओके, इष्टिका, गणना, तो गणना शब्द काय में आएगा, यानी काय में आएगा, तत्सम में, आवाज नहीं आ रही है। अब ये वर्ड हम कई बार कहते हैं, जनगणना हो गई, नहीं आ रही बात सुने? चलिए देखते हैं जरा क्या लिखा, या हिंदी में क्या होता। ओके, नहीं बनेगा, बनेगा, अब फिर से देखें स्वश्रु। ओके, भित्ती, अब जैसे हम भित्ती कहते हैं, भित्ती माने एक प्रकार की दीवाल, एक प्रकार की, तो अपन कहते हैं भीत,
भीत माने एक प्रकार की बाउंड्री, दीवाल, कवर, लेयर। सुन रहे हो? तो भित्ति शब्द काय का है? संस्कृत का। भीत शब्द काय का है? विष्ठा, वीत, सरकरा। क्या? तो सरकरा काय में आएगा? विज्ञान में खूब पढ़ते हैं, इसमें सरकरा की मात्रा ज्यादा है। यहां देख कज्जल, हिंदी में क्या होता? यहां देखें अद्ध माने आज। आज हिंदी शब्द है, आज कौन सा है? दुर्बल। दुर्बल, दुर्बल कहां सुना? निरोग कहां सुना? निर्लज कहां सुना? निश्चित कहां सुना? क्लियर है? जितने शब्द आपने संस्कृत में सुने हैं वो कहां के हैं? अब देखना जरा, उन्मना, चित्रक, कुंभकार, भिक्षा, ओके। और देखें कोटि, कोटि यानी गात्र, ओष, अगम्य, मालिनी, और देखें आम्र, उलूक, काष्ठ, काष्ठ का एक काठ माने लकड़ी। देख ग्राम, घृणा, अब देखने घृणा शब्द अपने संस्कृत में सुना? ग्राम कहां सुना? नहीं सुना है। और देखते हैं ताम्र, तांबा, तांबा कहां सुना? क्या तांबा आपने संस्कृत में सुना है? सुना है। चलिए देखते हैं जरा, नव्य, नया, प्रस्तर, ओगे। चलिए पौत्र, पौत्र, मृत्यु, मृत्यु शब्द बनने कहां सुना? नहीं सुना है। सैया, कई सारे वर्ड को आपको पता है। श्रृंगाल, सियार शब्द हमेशा हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत में क्या करते हैं? एक एक वर्ड रट लेना। एक बात याद रखना जीवन में, जितने सारे लोग आपसे कहें कि तद्भव तत्सम, इतने सारे काय को पढ़ रहे, हो सकता है एक नंबर का है, तो उनसे ये कहना हर चीज ही एक नंबर की आना है। अगर कल वर्णमाला पढ़ी तो कितने की आएगी? और अगर आज तुम तद्भव तत्सम पढ़ रहे दो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गर्मी लग रही हुई तो पंखा चालू कर लो बाजू से। देखें स्तन, स्वामी, साईं, स्वामी को क्या कहते हैं? मस्तक, ये देखो मस्तिष्क, मस्तक, ओके। चंचू, चोच, ओके। हरिद्रा, हल्दी, प्रिय, पिया, अपू, पुआ, कारवेल, करेला, श्रृंखला, साकल, मृत्तिका, मिट्टी, ये देखो मिट्टी। ये जो वर्ड वो चाहता है क्योंकि आपको दिया जाएगा एक अनसीन, तो अनसीन में ऐसी कोई कहानी सुनाई जाएगी। कहानी में ज्यादातर प्रचलित वर्ड आते हैं। कौन से वर्ड? प्रचलित शब्द आते हैं जो हमें ज्यादातर यूजफुल होते हैं। देखें जरा, चतुष्पादिका, पर्यक, पलंग, अर्ध तृतीय, भाई, अर्ध तृतीय, कूट, शुष्क, खरपर, खीर। अब देखने खीर को क्या कहते हैं? खीर। चरक, घट, पक्ष, काया, ओके। अंगुष्ठ, अंगूठा, सप्त, सात, अक्षत, भागने, भांजा, भात्र, यजमान। यजमान काय में होता? यजमान काय में होता? अच्छा अतिथि वर्ड कहां सुना? कहां सुना? अरे क्लियर है? चलिए देखते हैं वन, कुष्ठ, धैर्य, धैर्य कहां सुना? नहीं सुनते हैं। धूम्र, धूम्र का क्या होता? प्रतिच्छाया। क्या? अरे क्लियर है? श्रावण। और देखें अग्नि, आग, उष्ण, कोकिल, गधर्व, चर्मकार, तेल, ये देखें निद्रा, पीत, वधिर, मित्र, सत, सिर, स्वर्णकार, सूर्य, हस्त,
अम्बा, क्लियर है? Yes, अब जो संस्कृत में क्या होता अम्बा, हम क्या कहने लगे अम्मा, ठीक है? Yes, कार्य ओके, जिह्वा आश्रय, चूर्ण सायम, त्वरित त्वरित तुरंत, त्वरित सब कहा होता संस्कृत में, चटका चिड़िया, सत्य सच, सपत्नी सौत, क्लियर है? कपाट अष्ट, लक्ष्य 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 नहीं लक्ष्य, एक्चुअली हम लख कहते हैं वो लाख है, श्यामल सांवला लाक्षा लाख, धारित्री, तो देखो हिंदी में पढ़ते हैं धरती और संस्कृत में होता धारित्री, क्या होता अक्षर आखर, तो अगर कहीं अक्षर लिखा है तो वो काय का है, हमें सुनाई नहीं दिया, अरे क्लियर है? वायु, वायु जो है वो एक्चुअली अपन ने कहा था कहां पढ़ा संस्कृत, हवा हमने कहां पढ़ा, अरे क्लियर है? उच्च क्या, अवतार कुकुर कुकुर, ठीक है, एक्चुअली कुत्ता है, याचक दधी उपवास, ग्राहक ग्राहक कायम होता संस्कृत, निर्वाह अट्टालिका अटारी, आदित्यवार, अभी आदित्यवार इतवार एतवार का हो गया फिर इतवार, चलिए कुक्षी कुख, अंध अंधा, कर्ण कान, क्षेत्र खेत, ठीक है? क्षेत्र शब्द कहां सुनते संस्कृत में, गंभीर, अब जैसे हम गंभीर कहते हैं गंभीर चिंतन, गहराई से चिंतन करना है, तो गहराई क्या होती हिंदी, गहराई क्या होती, बोर हो रहे आप लोग, बोर हो रहे आप लोग, इतना याद रखना एक एक वर्ड आपको घर में भी आगे पढ़ना है, अगर आपको पेपर निकालना है तो पढ़ने का तरीका अलग है, और अगर आपको केवल पढ़ना है तो बात अलग है। देखिए चंद्र, पृष्ठ यानी पीठ, वानर मुख, श्वास दश, दश ऐसा लिखें तो दशानन, तो कहेंगे संस्कृत, और दस ऐसा लिखें तो स्वर्ण, गौरी गौरी होता है संस्कृत में, उसी को कह दो गौरी तो हिंदी में, हस्ती ओके, अपन कहते ना वो भी एक हस्ती है, अब उसका हस्ती से मीनिंग निकाला जाता है एक्चुअली बहुत बड़ी चीज है, ठीक है ना? तिक्त तीता, ये तीता का मतलब गीला, तिक्त माने डूबा हुआ, तिक्त माने डूबा हुआ, चतुर्दश चौदह, मयूर मोर, केतक केवड़ा, ससर्प सरसों, स्वप्न सपना, अब तक नहीं रोज इस्तेमाल करते अपन, स्वप्न काय में आता, काय में आता, अरे क्लियर है? और सपना हास, हास काय में आता संस्कृत में, हास्य भी काय में संस्कृत में, हंसी काय में ओके, उड़तन उपटन, वचन बेन, परशु फरसा, सर्प सांप, सलाका सलाई, रात्रि ओके, वत्स बच्चा, छुर छुरा, दुग्ध दूध, पूर्णिमा पूनम, सर्व सब, अपन कहते सर्व माने सब, मौक्तिक मोती, आशीष आशीष, चक्रवाक चकवा, स्व सुराल्य ससुराल, घृत, देखो नहीं आ रही बात सुन में, चलिए कंकड़ कंगन, गिद्ध गीद, भक्त भगत, भक्त काय में आएगा, काय में आएगा, यानी ये शब्द काय के रहेंगे, तत्सम क्या रहेंगे,
भक्त आएगा गाय में तत्सम में भगत बोलो यार बोलो रे आप लोग। मेरा यहां कहने का मतलब यह है कि जहां से आपको एक एक वर्ड अगर हम आपको यहां पढ़ा देंगे तो आप घर में जाके रिवीजन करने में भी आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। आना एक एक शब्द है। तुम सोचो कि हम तद्भव की परिभाषा बता दें तो बताइए पेपर में परिभाषा लिखने आना है क्या? आपको एक एक शब्द आना है, ठीक है ना? कांचन क्या? गर्भिणी यशोदा। चलिए अब बोल रहे हैं आ शब्द। अभी तो मिक्सचर बता दी। आ शब्द से कितने? अगुआ, अस्सी, अस्तुति। अस्तुति का क्या होता है? स्तुति। स्तुति कौन सा है? हिंदी वर्ड है। और अस्तुति कैसा है बोलो यार। ओके। आकाश गलत हो गया। ये इस तरफ टाइप होना है, ये इस तरफ टाइप होना है। अकार्य, कार्य होता है कैसा? संस्कृत वर्ड। काज होता है हिंदी से। अंग रखा, अंग रक्षक। इस वर्ड को याद रखिएगा आप। जब आप वीडियो देखें तो आपको यहां याद आ जाएगा। क्लियर है? ये यहां और ये यहां, ठीक है? चलिए, अंगीठी, अग्निष्ठिका, बहुत सारे, अंगोछा, अंडी, एरंडी, अंतड़ी, आंत्र, अंतड़ी, आंत्र, अंधा, अंध, अंधेरा, अंधकार। ओके। अंश, अकेला, एकल, अखाड़ा। ये उल्टे टाइप हो गए हैं। देखिए जरा यहां से, अंध, अंध जो है वो तत्सम है, अंधा जो है वो अरे। क्लियर है? ये हम सही टाइप करा देंगे। जब आपको भेजेंगे तो हम सही टाइप करा देंगे। क्लियर है? ये टाइपिंग मिस्टेक में नंबरिंग होने के चक्कर में ये क्या हो गया, अलट पलट गया है, ठीक है? तो आप देखें, अनुभव के आधार पर आप देख लें। अंध शब्द कायम होता संस्कृत, कायम होता अरे। क्लियर है? चलिए यहां देखें। अब यहां से आते हैं जहां अपन पढ़ चुके। अखाड़ा, अक्षवाट होता है संस्कृत में, अखाड़ा होता है हिंदी। ये संस्कृत है, अखरोट हिंदी। अगहन, अग्रहायण, अगम, अगम, अगम में होता है संस्कृत में, अगम होता है हिंदी में। अरे क्लियर है? देखें आप, अंध, अंधा, उल्टा ही अंध काय में आता, हमें आवाज नहीं आ रही है। देखें अग्रणी, अग्रणी संस्कृत में है, तो एक्चुअली आप इसे बदल लीजिएगा ये, ठीक है? यहां पर उल्टा ये टाइप गलत हो गया। एक्चुअली तत्सम यहां है, तद्भाव यहां। ओके। जब आप वीडियो देखें तो उसको देख लीजिएगा। अब देखें आकाश, आकाश। आश्चर्य, आश्चर्य कैसा संस्कृत, आश्चर्य कैसा है अरे। क्लियर है? और ये क्या? चलिए यहां देखें, तो हमें लगता है अब देखना जरा, अष्टावनती, अंठानवे, अष्टासी थी, अट्ठासी, अष्ट, अठ खेली। ये अष्ट क्या है? संस्कृत है, हाँ या ना? बड़े आ से संबंधित। तो आग देखें, अग्नि, अग्नि संस्कृत है, आग, हाँ या ना? ये गलत टाइप हो गया। तो आप इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा। एक्चुअली ये संस्कृत है, और आपको इसके आधार पर, रटने के आधार पर नहीं लेना है। मैंने आपसे कहा आप मान के चले एग्जाम में बैठे हैं, अब आप बताते जाना। अक्ष याने आंख, आपने हिंदी में सुनी कि संस्कृत में? और अक्षी नेत्र कहां सुने? संस्कृत। कहां? तो ये हो जाएगा नेत्र, हो जाएगा काय में? तत्सम में, काय में। चलिए आलस्य क्या? हमें आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है? आशा, आस। ओके। आम्र का? ओके। आश्रय, आसरा, आंत्र, आंत, अश्रु, आंसू, अर्ची, आच, आमा, आम्ब,
देखें आम्ल का है आंवला, पंचाशत, आवन, आदर्शिका, आरसी, आपात। जो चीजें आपके काम की वो देखना है, जैसे ये एला, इलायची, अम्लिका, इमली, एकत, एकस, इकट्ठा। फिर मैं बार बार वही बात कहूंगा कि ये हेडिंग थोड़ी बदल लेना। yes, नहीं आ रही बात समझ में? तद्भव तत्सम करते समय बदल लोगे? yes, या नहीं बदल लोगे? yes, अच्छा ये बताएं, इसमें कुल 200-300 शब्द होंगे शायद, तो क्या आप इसे पढ़ लोगे? yes, अब देखना, इक्षु, एक, ईर्ष्या, ईर्ष्या। ये ईर्ष्या आपने संस्कृत में सुना होगा। yes, काय में सुना होगा? अरे yes, क्लियर है? yes, ये संस्कृत में सुना है आपने, इसका संस्कृत में सुना है, ईट आपने कहा सुना? yes, तो आप बताइए तद्भव तत्सम पढ़ना या सुनना कठिन है या सरल है? yes, सरल है। yes, कहीं वृक्ष लिखा है, कहा सुना आपने? yes, हमें आवाज नहीं आ रही है। अब यहां देखें उत्साह, उपर्युक्त, ये देखें उपर्युक्त का होता उपरोक्त, उत्साह का उत्साह, सुन रहे हो? ये देखें उल्लूक, उल्लू हम हिंदी में बोलते हैं, उल्लू काय बोलते हैं? तो फिर वही बात, इस चीज को आप थोड़ा सा क्या करेंगे? हाँ या ना? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ठीक है, देखें तो आप लोग, अब मुझे लगता है कि ये आप घर से पढ़ के आएंगे, कोई भी चीज उच्च संस्कृत में होता है, उच्च काय में होता, अरे क्लियर है? ऊंचा काय में होता, उष्ट काय में होता, और यहां देखें क्या होता है। तो आप देखें एक एक वर्ड, 200 शब्द हैं, 200 शब्द हैं, यदि आपने 2 से 3 बार भी पढ़े तो मुश्किल से मुश्किल आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। yes, कितना घंटा? आप घर में पुस्तक रख के सरसरी निगाह से नहीं देखेंगे। yes, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? yes, आप सरसरी निगाह से नहीं देखेंगे। आप उसे एक 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 वर्ड आना है, क्योंकि yes, कितना आना है? yes, बस मैंने आपको इतना याद दिला दिया कि अगर कभी आपने संस्कृत में सुना है, अगर आपने कभी संस्कृत में सुना है, तो वो क्या है? हमें आवाज नहीं आ रही, अरे क्लियर है? और अगर आपने कभी काय में सुना है, काय में, तो वो क्या है? ये आप कल पढ़ के आइएगा, इसकी पहले हम आज चेक कर लें कि कहां वर्ड गलती, क्योंकि अभी इसके आगे पढ़ाना है अपन को संधियां। क्या पढ़ाना है? तो हम पहले स्लाइड चेक कर लें, क्योंकि कल हम गए थे बाहर तो हम ये चेक नहीं कर पाए, कहीं जितने सारे वर्ड अगर गलती हो गए होंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी संधियों में। संधि अपन को आज पढ़ना थी, लेकिन संधियां पढ़ेंगे अपन कल। ओके, ये देखें यहां से, ये देखें, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसकी स्लाइड सुधरवा के आज हम शाम तक भेजेंगे आपको। ठीक है, हमने पढ़ा था देशज शब्द, कौन से शब्द? हमने पहले पढ़े थे तद्भव तत्सम, क्या पढ़े थे? नहीं पढ़े थे तद्भव तत्सम, हम रीडिंग करके आएंगे। हम केवल जो उनकी गड़बड़ हो गई, हेडिंग गड़बड़ हो गई, वो हम सुधरवा करके आपको भेज दें। ओके, अब देखें वे शब्द जो किसी भाषा से हिंदी में नहीं आए हैं, बल्कि इनकी उत्पत्ति सामान्य रूप से जन लोगों के बीच में हो गई, जन सामान्य के बीच हो गई है, उसे हम कहते हैं देशज शब्द। डिबिया, झंझट, खड़ाऊ, झुग्गी, थप्पड़, फावड़ा, थैला, गड़बड़, अपन कहते गड़बड़ हो जाएगी, अगर तुमने ऐसा कहा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये गड़बड़ शब्द क्या है? ये एक्चुअली गड़बड़ शब्द है देशज, क्या है? ये देखो, ये देखो थैला, थैला शब्द अपन ने कहीं नहीं सुना था, संस्कृत से नहीं आया। लेकिन आप देखें फावड़ा, फावड़ा भी संस्कृत से आया ना? अंग्रेजी में तो फावड़ा होता नहीं है। ये देखें थप्पड़, हम आपको एक थप्पड़ मार देंगे, सुन रहे हो? ये देखें डिबिया, झंझट, अपन कहते उनके बीच में झंझट हो गई, अभी झंझट एक नया वर्ड। हमने एक और वर्ड बताया था जो यहां नहीं आया, हमने आपसे कहा था खिचड़ी, हमने कहा था पिल्ला,
नहीं कहा था? अरे कहा था? अरे क्लियर है? देखते हैं, ठोकर। हमने कहा तुम्हें ठोकर लग गई है। अभी ठोकर संस्कृत में नहीं होता। पगड़ी, लोटा, टांग, पैर सुना है। ये नया वर्ड आ गया टांग। अपन कहते हैं कि टांग मत खींचो। ये देखें, ठेठ, भौंदू। अभी भौंदू सब होता है क्या? अपन एक नया बना लिया कि जो आदमी अकल से कच्चा है, आलसी है, कुछ करना नहीं चाहता, अपन ने कहा ये भौंदू है। क्या है ये? तो हमने अपनी ही भाषा में जन्म दे दिया। अब देखें, झाड़ू, भौंपू, अटकल, सिलवट, झकझक, खिड़की, खुरपा, गाड़ी, छाती, बाप, पिता सुना था, पिता से धीरे धीरे कहा बन गए बाप। तो अपन ने कहा ये तुम्हारे बाप हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं। पिताजी तो ठीक था, लेकिन ये बाप बोलते बोलते आ गया। बेटा, पुत्र था पहले। पिल्ला, पगड़ी, तेंदुआ, कटोरा, खिचड़ी। देखें अब बीती सर शब्द, तो क्या आपको ये सारे शब्द याद हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? एक आध और नहीं आए, जैसे यहां कहीं लोटा नहीं आया। आया है? कटोरा, पगड़ंडी। चलिए तो आप पढ़ते रहिएगा, क्लियर है? चलिए, कुबड़, कुबड़, कुबड़ शब्द भी देशज। अपन कहते हैं कि कुबड़ निकल आई है, वो आदमी कुबड़ा है। तो ये कैसा है? देशज शब्द। कैसा है ये? विदेश शब्द। वे शब्द जिनका या तो अंग्रेजी में या फारसी में, उर्दू में कहीं ना कहीं दूसरी जगह जन्म हुआ है। उदाहरण के लिए स्टेशन, स्कूल, रेत, कोट, मोटर, कार, ड्राइवर, पेंसिल, पेन आदि विदेश शब्द है। ओके, फारसी कागज, दुकान, गिरफ्तार, दारोगा, बादाम, फौज, नमक। अब इन आप कहोगे सर फौज, फौज का हिंदी में होता सेना। क्या होता? कागज का होता पत्र। क्या होता है? अरे क्लियर है? अब देखें जरा, ये गिरफ्तार, जितने में फा शब्द जाता ने का शब्द पर जोर दिया जाए, खा शब्द पर जोर दिया जाए, फा शब्द पर ज्यादा जोर दिया जाए, गिरफ्तार। दारोगा, बादाम, फौज, नमक, अरबी से अदालत, जुर्माना, जाकत, वकील, हवा, तूफान, सुबह, तारीख, औरत, फकीर, कानून, मकान आदि। ओके, तुर्की से क्या क्या लिए गए? कैंची, चाकू, तोप, कुर्ता, लाश, चेचक, कालीन, चम्मच। ठीक है, पुर्तगाली से कमरा, गमला, तौलिया, काजू, गोदाम आदि। फ्रांसीसी से क्या लिए गए? अंग्रेज, कारतूस, कूपन। चीनी से चाय, लीची। संकर शब्द, जिनका प्रयोग हम दो शब्दों से मिलकर करते हैं, जैसे रेलगाड़ी। अब रेल अंग्रेजी है, गाड़ी कैसी है? वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत है, आया ना? ये वर्ष संस्कृत में आता है। घड़ी साज, घड़ी साज अरबी है। ठीक है, नुकसानदायक, नुकसान फारसी है, दायक हिंदी है। ओके, रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के, रूढ़, योगिक, योगरूढ़। रूढ़ ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, इन्हें खंडित नहीं किया जा सकता। यदि खंडित किया भी जाए तो खंडित होने पर इससे सार्थक अर्थ वाले शब्द प्राप्त नहीं होते हैं। इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। घोड़ा, आदमी, हाथी, घर, हाथ, पैर, दिन। तोड़ सकते हो इनको? एक शब्द को मन से उठाओ, कोई भी मन में उठा लो, तोड़ के देखो जरा, टूटेगा? अरे टूटेगा? मोह, गधा, उल्लू, अरुण, तारा, नाग, मित्र, हरि, रात। कोई नहीं, मित्र मी, धनत्रा, अरुण अरु, धरणा या आधन रूढ़, को टूटेगा? शिविर, सेना, मीठा, कान, नाक। कोई भी ऐसा शब्द जो ना टूट सके।
योगिक शब्द एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बनने वाले शब्दों को नहीं बताया हमने, बताया है या नहीं बताया है? देखें, संधि समास प्रत्यय उपसर्ग, जितने संधियां हैं वे योगिक हैं, जितने समास हैं वे योगिक हैं, जितने प्रत्यय हैं वे योगिक हैं, जितने उपसर्ग हैं वे योगिक। ओके, चलिए देखते हैं आगे। योगरूढ़, एक से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं, यानी वो यूनिवर्सल अर्थ देते हैं, उन्हें ना तोड़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। देखें, इन शब्दों को खंडित तो किया जा सकता है, परंतु इन्हें बिना खंडित किए प्रयोग करना अधिक उचित है। जैसे अन पीतांबर, वारिद, अंबुधि, दशानन, हाँ है ना, चतुर्भुज, नीलकंठ, जलज, लंबोदर, गिरधारी, चारपाई, हनुमान, दशरथ। चलिए आप पढ़ते रहना। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के, विकारी और अविकार। नहीं बताया हमने, जिनमें लिंग, वचन और कारक के कारण फर्क आ जाए उन्हें क्या कहते हैं? फर्क आ जाए यानी विकार उत्पन्न हो जाए, ये सारी चीजें बनाना है मन को। देखिए इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, देखें, काला, काले, काली, विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये चार शब्द पढ़ना है अपन को। तो देखिए ना, अपने पास कुल टारगेट कितना हो गया, अपन को संधियां पढ़ना है, समास पढ़ना है, अपन तद्भव तत्सम तो पढ़ ही चुके, क्या नहीं पढ़ चुके, देशज विदेशज पढ़ चुके। अब अपना मुख्य टारगेट है, जहां से हमें वास्तव में बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं, संधियां, समास, हाँ या ना, समानार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विरोधी शब्द, नहीं बनेगा। तो ये सारी चीजें अपन को पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, और मुहावरे पढ़ना है, लोकोक्तियां पढ़ना है, यहीं से आपका पेपर आएगा। ओके, देखें, अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनका रूप, लिंग, कारक, वचन आदि के कारण नहीं बदलता। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, एक्चुअली ये क्रिया विशेषण होते हैं। अब ये चार प्रकार के होते हैं, ये बाद में हम आपको समझाएंगे। अब देखें, अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। एकार्थी जो केवल एक ही अर्थ लिए रहते हैं। ओके, तो अब यहां से हमने पहले आपको शब्द विचार का आज स्ट्रक्चर बताया कि एक्चुअली आपको कुल कितनी हिंदी पढ़नी, ठीक है? आज घर जाकर केवल और केवल आपको स्ट्रक्चर पढ़ना है कि उत्पत्ति के आधार पर पांच प्रकार, नहीं आ रही बात में, रचना के आधार पर, ओके, तो आप इन चीजों को प्रयोग के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी, सुन रहे हो? तो आज आपका मुख्य टारगेट है तद्भव और तत्सम। एक एक टारगेट लो आप, तो एक दिन अपन केवल संधियां पढ़ेंगे, संधियों में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन। समास में टाइम लगेगा 2 दिन, 3 और 2 5, बाकी में सब में एक एक दिन लगना है। और आज थोड़ा सा अपना ये टाइपिंग गलत हो गई थी, हम ध्यान नहीं दे पाए कल, तो ये थोड़ा सा छोड़ दिया हमने, नहीं तो हम सारे शब्द आपके एक एक करके, जैसे तद्भव तत्सम 250 भी दिए रहते तो 250 ही पढ़ते अपन, तो संधियां आपकी 200 रहेंगी तो 200 ही पढ़ाएंगे आपको हम, समझ में आ रही है बात? तो आपकी संधियां समास सारी हम यहां रटवा कर भेजेंगे। आप तो केवल जैसे वर्णमाला कल आपने पढ़ी, कोशिश करना कि आप वर्णमाला भूल ना जाए। आप मेरी बात सुन रहे हैं? क्या करेंगे आप? वर्णमाला आप बस इतना याद रखना है, बार बार उस चीज को क्या करते रहे ना, रिपीट। अब कल आपने वर्णमाला पढ़ी है, आज आप रिपीट करेंगे, आपको 10 मिनट लगेगा। कितना मिनट लगेगा? अगर आपने 10 मिनट दे दिए तो अब आपके आगे, और अगर आपने 10 मिनट नहीं दिए भूल गए तो 4 घंटे लगेंगे। और एक बात, शुरू से पढ़ना अच्छा रहता है, लेकिन एक बार यदि आप भूल गए तो जो भूलने की प्रोसेस है
उसी जैसे नया मकान बनाना आसान है, लेकिन मिट्टी मकान को फिर बनाना थोड़ा सा कठिन। तो इतना याद रखना, कल हम शुरुआत करेंगे कहेगी संधियों की, कहेगी संधियों की। और कल जो सबसे बड़ी संधि है वो पहली संधि कौन सी आती है? स्वर संधि। हम वहां से चालू करेंगे, सारी चीजें गणित के सूत्र की तरह बताएंगे। जैसे आज तद्भव तत्सम लोग रटते हैं, अच्छा ईमानदारी से बताइए 90% आपको पता रहेगा कि नहीं? अब कोई कह देता सायम, क्या नहीं बनेगा? विद्यालय काय में आएगा? काय में। अच्छा ये बताइए अध्यापक काय में आएगा? अध्यापक कहां सुना आपने? नहीं सुना है। उद्यान काय में आएगा? जंगल काय में आएगा? जंगल कभी आपने संस्कृत में सुना है? अच्छा आरण्य बताइए, संस्कृत में सुना है ना? सर्प कहां सुना? अरे क्लियर है। तो आप बताइए कि जितनी सारी चीजें आपने कहां सुनी है? संस्कृत में सुनी है। जैसे आपने नर, क्या नहीं सुना है? नारी, औरत, कहा? तो आप केवल सुनेंगे ध्यान से तो आपको याद आ जाएगा कि दसवीं तक हमने संस्कृत पढ़ी है, हमने कहीं ना कहीं ये चीजें सुनी है। आप कहेंगे जल, कहां सुना? पानी, ओके। अच्छा ये बताइए आपने खाद्य कहां सुना? खाद्य संस्कृत में सुना ना? ये नहीं सुना है? सुना है। और कई सारी चीजें आप याद दिला दीजिए, कोई चीज हमें याद ना आ रही हो तो। नेत्र, उदर, निरोग, कहा? निरोग, निर्बल, दुर्बल, क्लियर है? बीमार हो आप लोग, आप ये मत कह देना संस्कृत में, क्योंकि धुन बन जाती है कि संस्कृत में, संस्कृत में, संस्कृत में, बोले छू रहे हो संस्कृत में। चलिए तो इसके आगे हिंदी में पढ़ेंगे अपन कल। अब आज अपन को पर्यावरण का पहला लेक्चर चालू करना।